400 बलात्कार हुए बहन और बेटियों के साथ इस सरकार में। बताओ जिस सरकार में बेटी का सम्मान सुरक्षित ना रहे उस सरकार को उखाड़ोगे कि नहीं? या बेटी रोटी माटी कुछ भी सुरक्षित नहीं है, लूट मची है लूट। ये हेमंत सोरेन की सरकार के दीदी 5 लाख नौकरी देंगे, बताओ मिली क्या किसी को? 4 साल 10 महीना कुछ नहीं किया, 2 महीना बचे तो बोले आ जाओ उत्पाद सिपाही में दौड़ो, और ऐसा दौड़ाया कि पुलिस की वर्दी तो नहीं पहनी, कफन पहनना पड़ा, कफन ओढ़ के घर जाना पड़ा। आज संघर्ष का संख हमने फूका है, जेएमएम और कांग्रेस की बेईमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए 5 साल में इस गठबंधन कांग्रेस और जेएमएम की सरकार ने झारखंड को तबाह और बर्बाद कर दिया है। आज रात में ही आपने अखबारों में खबर पढ़ी होगी, राजधानी रांची में एक बहन के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई है। 7400 बलात्कार हुए बहन और बेटियों के साथ इस सरकार में। हमारी कई बहनें रूबिका पहाड़िया जैसी काट काट के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दी गई है। मां बहन और बेटी का सम्मान सुरक्षित नहीं है। बताओ जिस सरकार में बेटी का सम्मान सुरक्षित ना रहे उस सरकार को उखाड़ोगे कि नहीं? या बेटी रोटी माटी कुछ भी सुरक्षित नहीं है, लूट मची है लूट। 350 करोड़ रुपया बरामद हो रहे हैं मंत्रियों के, कांग्रेस के सांसदों के यहां से, जेएमएम के नेताओं के यहां से। कभी आपने 100 करोड़ रुपया भी देखा है क्या इकट्ठा? लेकिन नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं, ये पूरे झारखंड को बेच के खा गए हैं। ये रेत बालू पत्थर गिट्टी कोयला सब खाने वाले लोग हैं। बताओ इस भ्रष्टाचार की लंका को जला के राज करना है कि नहीं? इस भ्रष्टाचार की लंका को जलाना है। नौजवानों को न्याय दिया क्या इस सरकार ने? ये हेमंत सोरेन की सरकार कहती थी 5 लाख नौकरी देंगे, बताओ मिली क्या किसी को? 4 साल 10 महीना कुछ नहीं किया, 2 महीना बचे तो बोले आ जाओ उत्पाद सिपाही में दौड़ो, और ऐसा दौड़ाया कि पुलिस की वर्दी तो नहीं पहनी, कफन पहनना पड़ा, कफन ओढ़ के घर जाना पड़ा। रोज पेपर लीक हो रहा है मेरे बेटे बेटियों, पेपर लीक। अब पेपर लीक भी षड्यंत्र इनका केवल अपने लोगों को नौकरियां देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने पंच प्रण लिए झारखंड के नौजवानों। पहला प्रण है हमारा, पेपर लीक करने वालों को छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। जिनने भविष्य बर्बाद कर दिया नौजवानों को, उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। और जिस दिन हमारी सरकार बनेगी पहली कैबिनेट में 2,87,000 रिक्त पदों की भर्ती प्रारंभ की जाएगी। हम कैलेंडर बनाएंगे किस तारीख को परीक्षा, किस तारीख को रिजल्ट और किस तारीख को नियुक्ति पत्र। नियुक्ति पत्र देने का काम बीजेपी की और एनडीए की सरकार करेगी। जो नौजवान बीए बीएससी बी काम एमए एमएससी एम काम जिनने किया है उनको 2 साल तक नौकरी या रोजगार मिलने तक 2,000 रुपया महीना दिया जाएगा ताकि उनकी आजीविका की गाड़ी चल सके। मेरी बहनों को ये प्रण है भाजपा का। हेमंत सोरेन ने तो कुछ नहीं दिया, कहा 2,000 रुपया चूल्हा कर, 4 साल 10 महीना नहीं, बाद में 1,000 रुपया ले लो टुकड़े डाल रहे। लेकिन हम कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला करेंगे, हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपया बहनों के खाते में डाल दिया जाएगा। ये भाजपा की सरकार का प्रण है। बालू फ्री में देंगे मकान बनाने के लिए, इनने लूट लिया। भाजपा की सरकार मकान भी फ्री देगी गरीब को और बालू भी फ्री उपलब्ध करवाई जाएगी। माटी बेटी और रोटी की सुरक्षा करेंगे। आज इस मौसम में मैं लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन ये जो तूफान आ रहा है ना दाना तूफान, इस तूफान से ज्यादा खतरनाक तो जेएमएम कांग्रेस की सरकार है जिसने सब बर्बाद कर दिया। मेरे बहनों और भाइयों,
आई नामांकन के साथ इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का संकल्प लीजिए और कांके से जीतू चरण राम जी हमारे समर्पित उम्मीदवार हैं, आपके सेवक, उनको आशीर्वाद दीजिए और मांडर से हमारे भाई सन्नी टोपो जी को आपका आशीर्वाद दीजिए। कमल के फूल के बटन दबाइए और हमारे सनी भाई को भी और हमारे जीतू चरण राम जी को भी भारी बहुमत से विजयी बनाइए। बोलिए सबका आशीर्वाद मिलेगा, कमल के फूल के बटन दबाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, जीतू चरण और सन्नी टोपो जी को विधायक बनाएंगे, मोदी जी के साथ आएंगे। तो मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय।